नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद केके। आज है 15 अक्टूबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का यह करंट अफेयर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना, काफ़ी बार इसका चर्चा में जिक्र हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के जो नए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली है, तो उन्होंने किस तारीख को शपथ ली, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उन सब में सबसे अधिक आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के इसके पहले जो महाधिवक्ता थे पुरुषेंद्र कुलसेठ, उनको क्या कर दिया गया दोस्तों, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया है। अब उनके स्थान पर नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, कहाँ से हैं, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वह सभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका 15 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर में। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हेड बेल आइकन एमएस और न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे फॉर एनी ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि विजय कुमार मलिमठ ने किस दिनांक को शपथ ग्रहण की। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बार और रिवीजन हो जाएगा, मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है दोस्तों, श्री रवि विजय कुमार मलिमठ जी इनका नाम है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। और इसके पहले कौन थे दोस्तों, मोहम्मद रफीक जी थे, अब उनके बाद इन्होंने स्थान लिया है। मोहम्मद रफीक 26 नंबर के थे और यह किस नंबर के हैं दोस्तों, 27 नंबर के हैं। इन दोनों को याद रखना है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके पहले जो मोहम्मद रफीक थे वह किस नंबर के थे, 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इसके बाद जो है यह मलिमठ जी जिनका नाम है रवि विजय कुमार, शॉर्ट में आप रवि विजय के नाम से इनको याद रख सकते हैं, फिर मलिमठ सरनेम के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। और यह 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के। तो अब हम यहां पर देखते हैं इन्होंने किस दिनांक को शपथ ग्रहण की थी, क्योंकि दोस्तों जो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोग हैं, जैसे कि आपको याद रखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, इसके बाद आपको बताना चाहूंगा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है उसके बाद आप देखेंगे इनको जो कि आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं उनसे संबंधित फैक्ट बनते हैं। तो यह आपको याद रखना ही है किस तारीख को इनके द्वारा शपथ ली जाती है। देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर एक है 14 अक्टूबर 2021 को शपथ ली, 12 अक्टूबर 2021 को शपथ ली, 15 अक्टूबर 2021 को शपथ ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर एक, 14 अक्टूबर 2021 को शपथ ली गई थी किसके द्वारा दोस्तों, श्री रवि विजय कुमार मलिमठ द्वारा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने नियुक्त किया गया है और इन्होंने शपथ कब ली थी, 14 अक्टूबर 2021 को इनके द्वारा शपथ ली गई थी। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब बताना चाहूँगा एक और डेट, इस डेट को तो याद ही कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 2020। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चौथी बार शपथ ली थी किसने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, चतुर्थ बार वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, किस दिन पे दोस्तों, 23 मार्च 2020 को, याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केवल केवल आपको क्या करना है, प्लस कर देना है एक दिन, अर्थात 23 के बाद 24 मार्च और सब कुछ सेम ही रहेगा दोस्तों। इस दिन मध्य प्रदेश के जो 33वें नंबर के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह वैश्य, उन्होंने शपथ ली थी। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। और यहाँ पर आप याद ही कर लीजिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने शपथ ली है, तो आपने देख लिया रवि विजय कुमार है, और इन्होंने शपथ कब ली है, 14 अक्टूबर को ली। अब आपको मध्य प्रदेश का जो मुख्य पीठ है वह कहां पर है, जबलपुर में दोस्तों, याद रखिए हेनरी नामक वास्तुकार थे, उन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा इसकी खंडपीठ की स्थापना 1968 में की गई थी, दो जगहों पर खंडपीठ है, इंदौर और जबलपुर में, तो इसको भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने, तो किसके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है, राज्यपाल जी द्वारा दिलाई गई है। और मध्य प्रदेश के है कौन से नंबर के राज्यपाल हैं दोस्तों, यह राज्यपाल है मध्य प्रदेश के 30वें नंबर के, यह इसके पहले मंत्री थे, कहां पर मंत्री थे, गुजरात सरकार में मंत्री थे। ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि विजय कुमार मलिमठ को शपथ ग्रहण कराई। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि विजय कुमार मलिमठ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ राजभवन में दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को संदीपनी सभागार राजभवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जी क्या थे, मौजूद
थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन छात्रावासों में डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले जाएंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ चिन्हित छात्रावास हैं जहां पर डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले जाएंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं यह मध्य प्रदेश के कौन से छात्रावास हैं, वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो कन्या छात्रावास में दोस्तों, बालक छात्रावास, खेल छात्रावास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक अर्थात कन्या छात्रावासों में दोस्तों डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले जाएंगे। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बेटियों के हित में कन्या छात्रावासों में डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष किस स्तर पर मनाया जाएगा लाड़ली लक्ष्मी दिवस? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 2007 में इसे शुरुआत की गई थी। तो याद रखना अप्रैल का वह महीना था और 2007 की डेट थी। और इस बार आपको यह भी याद रखना है 900 करोड़ रुपए लगभग बजट में आवंटित किए गए हैं इस योजना हेतु। और इस यह सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट योजना थी मध्य प्रदेश की दोस्तों। ठीक या वर्तमान में भी है और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ अन्य राज्यों द्वारा भी इसे विभिन्न नामों के माध्यम से इसे एक्सेप्ट किया गया। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना है मध्य प्रदेश की। तो इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष किस स्तर पर मनाया जाएगा लाड़ली लक्ष्मी दिवस। आपको ऑप्शन नंबर एक ग्राम पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चार अर्थात उपरोक्त सभी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर मनाया जाएगा लाड़ली लक्ष्मी जो दिवस है वह कब प्रत्येक स्तर से तात्पर्य है ग्राम पंचायत स्तर पर भी मनाया जाएगा, जनपद स्तर पर भी मनाया जाएगा और जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रदेश में हर वर्ष ग्राम पंचायत, विकास खंड, जनपद और जिला स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो मध्य प्रदेश के नए अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर एक है प्रशांत सिंह, पुरुषेंद्र कौरव, लक्ष्मी नारायण, नरेश पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुषेंद्र कौरव तो अभी थे ही यहाँ के महाधिवक्ता और इनको अब इन्होंने इस पर अपना रिजाइन देकर इन्हें क्या बना दिया गया दोस्तों? हाई कोर्ट का न्यायाधीश। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया। याद रखिए मुख्य न्यायाधीश अलग होते हैं और न्यायाधीश अलग होते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इन्हें बनाया गया। और यह भी याद रखना दोस्तों, सबसे कम उम्र के मध्य प्रदेश के यही थे महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का प्रावधान 165 अनुच्छेद में किया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यह सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता थे और यह ऐसे पहले महाधिवक्ता थे जो सीधे महाधिवक्ता पद से किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। ऐसे तो कई लोगों को बनाया गया है परंतु वह रिजाइन देते हैं, काफी समय उनका गैप हो जाता है उस दौरान, उसके बाद जाके वह हाई कोर्ट में अपने न्यायाधीश जज की पदवी को संभालते हैं। परंतु ही इज द फर्स्ट पर्सन हु डायरेक्टली गॉट दिस पोस्ट। तो याद रखना है इसको भी, 165 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? तो पुरुषेंद्र कौरव तो पहले थे तो यह तो कट गया, यह दोनों गलत है। राइट आंसर है प्रशांत सिंह दोस्तों, याद रखिए जबलपुर से यह संबंधित है। और हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि जो भी महाधिवक्ता है मध्य प्रदेश के, अगर कई बार पूछ लिया जाता है, शायद एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वर्तमान महाधिवक्ता मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं, तो अधिकतम जगहों पर दोस्तों आप एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। और वह ट्रिक ये है कि अधिकतम जो महाधिवक्ता हैं दोस्तों वह जबलपुर से ही होते हैं, याद रखिए, क्योंकि जो बड़े लेवल के जो वकील होते हैं उनको ही महाधिवक्ता बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश आपको मालूम होना चाहिए, जो हाई कोर्ट है उसका जो मेन जो पीठ है वह कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो इस आधार पर आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको इतिहास पर प्रकाश देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट पर, क्योंकि काफ़ी यह चर्चा में रही है, तो बता देना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो जबलपुर है इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपको 1 नवंबर 1956 से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ ही। परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जब आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां पर थी दोस्तों? तो याद रखिए नागपुर, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1935 में से इस्टेब्लिश किया गया था और 1950 तक लगभग आपके मध्य प्रदेश इस्टेब्लिश होने तक नागपुर ही
यहाँ की मध्य प्रदेश की वो रही थी। परंतु जैसे ही आपको मालूम होना चाहिए पहले की राजधानी भी नागपुर थी, परंतु जैसे ही जब मध्य प्रदेश का जो निर्माण होता है उसके बाद आप देखते हैं कि जबलपुर में इसकी स्थापना कर दी जाती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अनुच्छेद आपको याद रखना है दोस्तों, 214 अनुच्छेद, इसमें प्रावधान किया गया है राज्यों में हाईकोर्ट का। 215 अनुच्छेद, इसको अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। 216 में दोस्तों गठन की बात की गई है, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे 241 दोस्तों केंद्र शासित राज्यों में हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाती है। 231 दोस्तों एक जो आपके दो राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो जिला कोर्ट होती है वह अनुच्छेद 233 के अंतर्गत होती है, जो सभी जिलों में अवेलेबल होती है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। MP हाईकोर्ट न्यूज़, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त हुए। जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सैं मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रसन्न कौरव के न्यायाधीश बनने के बाद रिक्त पद पर जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सैं की नियुक्ति का आदेश बुधवार को जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गोपाल श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कैलाश सत्यार्थी बनाएंगे 50 एकड़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में लगेगा 1440 मेगावाट का पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन नेम अस न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू PDF विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस ऑफ दिस PDF, यू जस्ट नीड टू गो डिस्क्रिप्शन, देयर आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, इजीली यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल देयर इवनिंग टाइम, बट माय PDF प्रोवाइडिंग यू इवनिंग टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट, इवनिंग टाइम इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।